हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पार्ट वन फ्रॉम जुअलॉजी पोर्शन। एंड एज यू नो वी आर डिस्कसिंग ल्यूसेंट जीके, अ कंप्लीट बुक ऑफ बायोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। जुअलॉजी, जुअलॉजी क्या है बेसिकली? जुअलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। साइंटिफिक स्टडी की जाती है इसमें किसकी? स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, तो उसकी स्ट्रक्चर देखी जाती है, उसकी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी होती है। उसकी फॉर्म कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है उसकी, उसका आकार कैसा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, लाइक इफ इट इज लिविंग इन वाटर और लैंड, बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि वो पानी में रहता है, सी में रहता है, या फिर वो लैंड पे रहता है। तो बेसिकली जुअलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जुअलॉजी में हम किसी भी एनिमल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी फॉर्म पढ़ेंगे, किस टाइप का होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जाएगा उसका, ठीक है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स। अब बेसिकली जो एनिमल किंगडम है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसको भी दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। किस तरीके से? फर्स्ट इज यूनिसेल्यूलर एनिमल। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है, यूनि का मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, यूनि मीन्स होता है सिंगल, सिंगल मीन्स एक, यूनिसेल्यूलर मीन्स हो गया सिंगल सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर बेसिकली एनिमल जो होते हैं उनके ओनली सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? सिंगल टाइप ऑफ सेल से, सिंगल सेल से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल कैसे होते हैं? जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया, सो दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है। अगर हम हमारी बात करेंगे, ह्यूमन की बात करते हैं, तो क्या है वो? मल्टी सेलुलर एनिमल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। यूनिसेलुलर एनिमल्स आर कैप्ट इन ए सिंगल फाइलम, ठीक है। यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होता है उनको, उनका जो फाइलम है उसको बेसिकली हम कहेंगे प्रोटोजोआ, ठीक है। वेयर एज मल्टी सेलुलर एनिमल आर डिवाइडेड इंटू 9 फाइलम्स। अब पहले तो हमने बता दिया कि टू सब किंगडम्स होते हैं। एनिमल किंगडम सबसे बड़ा किंगडम है, उसके अंदर दो सब किंगडम्स है। पहला है यूनिसेलुलर, जिसमें सिंगल सेल वाले एनिमल्स को रखा गया है, और उसका नाम क्या बताया इन्होंने फाइलम का? प्रोटोजोआ। मल्टी सेलुलर एनिमल्स को कितने फाइलम्स में बांटा गया है? 9 फाइलम्स में बांटा गया है, ठीक है। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे जिसमें सेल्स होते हैं। नाउ कम टू द फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें हमने क्या रखा है? सिंगल सेल वाले एनिमल को रखा हुआ है। फाइलम प्रोटोजोआ मेन फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, अभी हम बता चुके हैं। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होती है इसके अंदर। इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। इसकी बॉडी कैसी होती है? एक सेल से बनी होती है। देयर इज वन और मोर न्यूक्लियाई इन इट्स साइटोप्लाज्म। और एक जो सेल होती है उसके अंदर या तो एक न्यूक्लियस होगा या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। आर बोथ द टाइप कमेंसलिज्म एंड पैरासाइट। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं आप। प्रोटोजोआ में या तो वो पैरासिटिक फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो किसी को नुकसान पहुंचाएगा। पैरासिटिक मतलब किसी और के ऊपर परजीवी की तरह रहना, ठीक है। कमेंसलिज्म का मतलब होता है कि जिसमें वो उसको बेनिफिट करे, ठीक है, किसी के साथ जिस रिलेशनशिप में वो रह रहा है उसको वो बेनिफिशियल, उसके लिए बेनिफिट हो, बेनिफिट होगा, ठीक है। और एक होता है फ्री लिविंग, या तो वो फ्री लिविंग एक्वाटिक फॉर्म में, यानी कि पानी में फ्री लिविंग की तरह रहते हैं। तो जो बेसिकली प्रोटोजोवा की, प्रोटोजोवा सिंगल टाइप ऑफ सेल है, ठीक है, और उसको तीन तरीके से वो रह सकता है, या तो फ्री लिविंग रहता है या कमन सेल्स की तरह रहता है। कमन सेल्स मीन्स मैंने आपको बता दिया है, वो जिस पर रहेगा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा पर उससे फायदा जरूर लेता है, ठीक है, वो उससे बेनिफिटेड रहता है। एंड पैरासिटिक मतलब वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लाइक अगर हम उसकी बात करते हैं, पैरासाइट होते हैं ये प्रोटोजोआ पैरासाइट, एंटामीबा हिस्टालाइटिका हो गया, ठीक है, जीआरडिया हो गया, ये सब क्या है? पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ईटिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है? ईटिंग, खाना खाना, डाइजेशन, पाचन, रेस्पिरेशन, श्वसन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जिसमें खाता है, उसके बाद डाइजेशन होता है फूड का, रेस्पिरेशन होता है, वो किसमें होता है? सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर होता है। हमारी तरह उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं होते, सिर्फ एक सेल में ही ये सारा काम होता है। ईटिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ए यूनिसेलुलर बॉडी। तो आपको पता चल गया अभी।
जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस फाइलम में रखे गए हैं, प्रोटोजोआ में रखे गए हैं. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. अब यहां पर जो रेस्पिरेशन हुआ और एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया से होता है. ठीक है, डिफ्यूजन मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट, कभी इसमें आएगा तो डिटेल में आप मैं बताती हूँ, लेकिन अभी हम समझेंगे कि जैसे हम में रेस्पिरेशन होता है, हम इस तरीके से डिफ्यूजन नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉपरली हमें इनहेल करते हैं फिर एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन का. यहाँ पर सिंगल सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है वो किससे होती है, डिफ्यूजन से होती है, और डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या बाहर निकल जाता है उनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट. डिफ्यूजन का बेसिक मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ तो क्या होता है, एक्सक्यूज मी, हायर कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में अगर सेल के अंदर सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है बैक्टीरिया में, सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो सीओ टू क्या होगा, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, यानी कि सेल से बाहर चला जाता है. सेम वे में एक्सक्रीशन भी ऐसे ही होता है, जहां पर ज्यादा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं सेल के अंदर तो वो दूसरी साइड में यानी कि बाहर की तरफ सेल के बाहर डिफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि वहां पर बाहर की तरफ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. राइट, तो ये एक प्रोसीजर होता है डिफ्यूजन, ये एक फिनोमिना है, या हम कह सकते हैं एक उसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन होता है. नाउ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एंटामीबा हिस्टालाइटिका मैंने बताया था, ये क्या है, अमीबा, युगलिना, ट्रिपनोसोमा एटसेट्रा, दीज आर द यूनिसेलुलर प्रोटोजोवा. ठीक है, और सिंपली हम कह सकते हैं दीज आर द प्रोटोजोवा. नाउ कम टू द अनादर फाइलम, फाइलम पोरीफेरा. ऑल एनिमल ऑफ दिस ग्रुप्स आर फाउंड इन मेरीन वाटर एंड बियर पोर्स इन बॉडी. देखिए, अब दूसरा ग्रुप है, अभी हमने पहले क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर, अब आ गया पॉरीफेरा. पॉरीफेरा इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर है ये. ठीक है, अब मल्टी सेलुलर एनिमल्स स्टार्ट हो गए हैं पॉरीफेरा से, इसके अंदर क्या होता है, ऑल एनिमल ऑफ दिस ग्रुप्स आर फाउंड इन मेरीन वाटर एंड बियर पोर्स इन बॉडी. ठीक है, इस तरीके का एनिमल है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पोर्स दिखाई देते हैं, और कहाँ पर होता है, ये सी वाटर में होता है, यानी कि मरीन वाटर में होता है, और इसकी बॉडी पे पूरे क्या है, पोर्स होते हैं. दीज आर मल्टी सेलुलर और एनिमल बट सेल डू नॉट मेक रेगुलर टिश्यूज. अब इसमें क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं लेकिन इसमें टिश्यूज नहीं होते, रेगुलर टिश्यूज नहीं बनते हैं. न्यूमरस पोर्स नोन एज ऑस्टिया फाउंड ऑन बॉडी वॉल. बॉडी वॉल पर क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं. I will show you the picture of Porifera, जो phylum है उसमें किस तरह के organism होते हैं. I will show you, wait. ये देखिए, आप इसे देख सकते हैं इन pictures को. तो यहाँ पर क्या है, ये sea water में होते हैं, marine water में होते हैं, इनको कहते हैं हम sponges. Sponges is skyphi, ये अलग अलग example होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी body पे क्या होता है, बहुत सारे आपको होल दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे, इनको हम कहते हैं ऑस्टिया. ठीक है, और ये जो मेन बड़ा होल होता है जिसके अंदर से पानी अंदर जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम. ठीक है, तो इस तरह की बेसिकली स्ट्रक्चर होती है पॉरीफेरा ऑर्गेनिजम्स की. स्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइन्यूट कैलकेरियस और सिलिकॉन स्पिक्यूल्स. अब जो इसका स्केलेटन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वो कैसा बना होता है, कैलकेरियस और सिलिकॉन के स्पिक्यूल्स होते हैं, कार्टेनुमा स्ट्रक्चर होती है. एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो साइकॉन स्पॉन्जेस आपको याद होना चाहिए, बेसिक मेन एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्ज. ठीक है, स्पॉन्ज एंड साइकॉन. नाउ कम टू द सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा. मेन फीचर्स की बात करेंगे, सिलेंट्रेटा में क्या होता है, मेन फीचर में सिलेंट्रॉन इज प्रेजेंट. बेसिकली सिलेंट्रॉन क्या होती है, सिलेंट्रॉन. ठीक है, सिलेंट्रॉन का मतलब हो गया हॉलो और एंट्रॉन का मतलब हो गया इंटेस्टाइन. इसका क्या मतलब हो गया, हॉलो बॉडी कैविटी होती है इसके अंदर. क्या होती है, हॉलो बॉडी कैविटी होती है. एनिमल्स आर एक्वाटिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर होती है इसमें, और डिप्लोब्लास्टिक होता है ये एनिमल और एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाला जीव है. ठीक है, एक्वेटिक हो गया और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया इनकी जो बॉडी डिराइव होती है वो टू एम्ब्रियोनिक सेल लेयर से होती है. टू एम्ब्रियोनिक मतलब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. इनमें मीजोडर्म का कोई रोल नहीं होता. जब ये ओरिजन होता है, एम्ब्रियो बनता है इनका. ठीक है, जब ये रिप्रोड्यूस होते हैं उसके बाद सेल बनती है, वो कैसे, दो एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म. लाइक अगर हम हमारी बात करेंगे तो हमें एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है और एंडोडर्म भी होती है. लेकिन यहाँ पर जो इनकी बॉडी डिराइव्ड हुई है वो किससे हुई है, दो एम्ब्रियोनिक सेल लेयर से हुई है. उसमें कौन कौन सी हो,
होगी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रख लीजिए एनिमल्स आर एक्वेटिक, पानी वाले जीव होते हैं, एंड डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर से इनकी बॉडी डिराइव होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म। अराउंड द माउथ सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड नोन एज टेंटिकल्स व्हिच हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड। अब इनकी स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाती हूँ, एग्जाम्पल में हाइड्रा जेलीफिश, सी एनेमोन्स आते हैं, इनकी मैं अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इनकी जो माउथ होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होती है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री का मतलब है जब भी हम किसी भी एनिमल के सेंटर एक्सिस किसी भी एंगल पर अगर हम उसको कट करके देखेंगे तो हमें एक जैसे हाफ्स मिलेंगे। ठीक है, सेम हाफ्स में हमें बॉडी डिवाइडेड मिलेगी। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दिस वन, दिस इज हाइड्रा। ठीक है, और ये है जेली फिश। हाइड्रा और जेली फिश एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा के। इसमें क्या बताया गया था कि माउथ के अराउंड क्या होती है, टेंटिकल्स होती है। देखिए यहाँ पर आपको लॉन्ग टेंटिकल्स, दीज आर द टेंटिकल्स यू कैन सी इन जेलीफिश एज वेल एज इन हाइड्रा। ठीक है, अब इसमें एक टाइप की सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल। ठीक है, सिलेंट्रेटा में कौन सी सेल होगी, नीडोब्लास्ट सेल्स विच आर फाउंड हेल्प इन कैचिंग द फूड। जो फूड होता है बेसिकली उसको कैसे कैच करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नीडोब्लास्ट सेल। तो सिलेंट्रेटा में आपको क्या पता चला कि सिलेंट्रॉन इज प्रेजेंट, मीन्स हॉलो इंटेस्टाइन या हॉलो बॉडी कैविटी इज फाउंड। हॉलो यानी कि बीच में से खुली हुई टाइप की एक बॉडी कैविटी नजर आती है। एनिमल्स आर एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है। अराउंड द माउथ सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होती है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको भी दिखाई थी हाइड्रा एंड जेलीफिश में ये, और टेंटिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सारी तरफ इनके टेंटिकल होती है, और स्पेशलाइज सेल्स कौन सी होती है, नीडोब्लास्ट सेल्स होती है, दैट हेल्प्स इन कैचिंग द फूड, जो फूड को इनको फूड को ग्रैब करने में मदद करती है, और बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, सो वी आर स्टॉपिंग माई वीडियो हेयर एंड वी विल कंटिन्यू दिस अनदर फाइलम नोन एज प्लैटी हेलमेंथीज। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में प्लैटी हेलमेंथीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।